बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस आमना अंसारी फ्रॉम बहरिया कॉलेज करीम कैंपस। आई एम टीचिंग इंग्लिश इन क्लास 9th। टुडे आई एम टीचिंग यू अ लेसन नंबर 1 व्हिच इज़ द लास्ट सर्मन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वॉज बॉर्न इन 571 AD एट मक्का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगंबर हैं और वह 571 हिजरी में मक्का में पैदा हुए। ही बिलोंग टू द नॉबल फैमिली ऑफ कुरैश और कुरैश के अजीम ख़ानदान से इनका ताल्लुक था। और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। हियर आर सम मोर इम्पोर्टेंट मीनिंग्स लाइक बिलोंग्ड, ताल्लुक होना, नोबल, नजीब या अजीम होना। नेक्स्ट वन इज़ वर्शिप आइडल्स। द कुरैश यूज़ टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। कुरैश के लोग बुतों की पूजा किया करते थे और एक खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से कहा कि वो खुद एक अपने वर्शिप एज द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड कि वो गलत खुदाओं की इबादत ना करें। Here are some meanings. Worship idols means बुतों की पूजा, worship इबादत, and another one is prophet of God. हज़रत मोहम्मद peace be upon him told them he is prophet of God. उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। And asked them to worship the one and the only true God. और उनसे कहा कि सिर्फ एक और सच्चे खुदा की इबादत करें। Here are meanings. Prophet means पैगंबर, true means सच्चा। Opposition. They opposed this new faith. जब हमारे नबी ने उनको पैगाम दिया नए मज़हब का तो उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा मुखालिफत की। Their bitter opposition caused Prophet peace be upon him much agony and a lot of trouble. इनकी शदीद मुखालिफत ने बहुत ज़्यादा अजियत भी पहुँचाई हमारे नबी को और उनके पैरोकारों को और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी क्रिएट की। Opposed मुखालिफत, bitter तल्ख, agony अजियत। हिजरा। The Prophet Hazrat Muhammad peace be upon him himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr migrated to Medina. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, बहुत एगोनी हो गए बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त उन्होंने अपने पैरोकारों से कहा कि अब माइग्रेशन का वक्त आ गया है। तो उन्होंने उनसे कहा कि माइग्रेट करें और फिर ख़ुद भी अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड अकुपेंट यानी बेस्ट फ्रेंड के साथ हज़रत अबू बकर के साथ जो है वो उन्होंने मदीना में माइग्रेशन इख्तियार की। This event is known in history as the Hijra. और इस event को जो है वो तारीख में हिजरा के नाम से याद किया जाता है। Accompanied साथ या साथी, faithful वफादार, migrated हिजरत की। Islamic society. In Medina, the Prophet peace be upon him founded an Islamic society. मदीना में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी माशरे का क़याम किया विच इज़ बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स जो कि 3 असूलों पर मुश्तमिल था। दैट ऑल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह, तमाम की तमाम ताकत अल्लाह ताला की है। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ हिज़ प्रॉफिट और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके रसूल हैं। एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फाउंडेड मीन्स कायम करना, प्रिंसिपल मीन्स उसूल। And the next one is value of women. He raised women from the status of chattel to complete legal equality with men. इन्होंने औरतों के स्टेटस को, औरतों की वैल्यू को उभारा और जायदाद माल मता में इनको बराबरी के हुकूक दिए। Raised मतलब उठाया, chattel means माल मता, equality means मसावात। Human brotherhood. He met people to live with faith, sincerity and honest dealing and for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड का आगाज़ किया और इन्हीं की बदौलत इसका जो है वो स्टार्ट हुआ। फेथ मीन्स ईमान, यूनिवर्सल मीन्स आलमगीर एंड ब्रदरहुड मीन्स अखुवत। लास्ट हज सरमन, आखिरी खुतबा। इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टुगेदर विद हिज फॉलोवर्स वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का। हमारे नबी अपने पैरोकारों के साथ मक्का हज परफॉर्म करने गए। हियर आर फॉलोवर्स मीन पैरोकार, परफॉर्म मीन्स अंजाम देना या अदा करना।
मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पैगाम, देर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, ही इज़ द ओनली गॉड, वो अकेला है। नन शेयर इज़ अथॉरिटी एंड पावर, कोई भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही शेयरिंग हो सकती है। ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस एंड हेल्प हिज प्रॉफिट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ एविल, वो मुकम्मल करता है अपने वादों को और अपने रसूलों और अपने रसूल की जो है वो मदद करता है बुराई की ताकतों से, बुराई की ताकतों के खिलाफ। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, अथॉरिटी इक्तदार, एविल मीन्स बुराई। हिज कोटेड वर्ड्स, इन द लाइट ऑफ दिस वर्स नो अरब इज़ सुपीरियर टू अ नॉन अरब, उन इन आयात की रोशनी में किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। नोर इज़ अ वाइट मैन इन एनी वे बेटर देन अ ब्लैक मैन, ना ही किसी गोरे को किसी काले पे। और ओनली द गुडनेस ऑफ अ पर्सन मैक्सिम सुपीरियर टू अदर्स, इंसान की सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही जो है वो उसको दूसरों से बढ़तर करती हैं। द होल ऑफ ह्यूमनिटी इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम, और तमाम की तमाम इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हियर आर सम मीनिंग्स, सुपीरियर आला, ह्यूमनिटी इंसानियत, ऑफस्प्रिंग औलाद। होली बुक ऑफ अल्लाह, एट लास्ट आर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड टू देम आई एम लिविंग अमंग यू अ थिंग विच विल गाइड यू, मैं आप लोगों के दरमियान में एक चीज़ छोड़े जा रहा हूँ जो कि आपकी रहनुमाई करेगी। इफ़ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट यू विल नेवर गो रॉन्ग, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अमल करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे। दिस इज़ द होली बुक ऑफ अल्लाह, और यह है अल्लाह ताला की पाक किताब। हियर आर सम मीनिंग्स, अमंग दरमियान, गाइड रहनुमा। Now this is your home task. I hope आपको लेसन समझ में आया होगा। Now this is your home task. You have to do provided worksheet. Do page number 4. Do question number 1 and 2 of composition from page number 5 and do page number 6. Thank you so very much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.